लाडली बहने असमंजस्य में खातों में नहीं आए 1000 रुपए, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, फिर भी सुनवाई नहीं। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 10 जून को अधिकांश महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए की राशि आई है, लेकिन कई ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें स्वीकृति पत्र मिल गया है और DBT आदि भी सक्रिय है, लेकिन उनके खाते में रुपए नहीं आ सके हैं, जिसके बाद महिलाएं शिकायतें कर रही हैं। नगरी क्षेत्र में होने से शिकायतें महिला बाल विकास के स्थान पर नगरपालिका में पहुंच रही हैं, जहां से कॉल आने के बाद शिकायतें बंद कर महिला बाल विकास से संपर्क करने की बात कही जा रही है। बता दें कि बीते 2 माह से लाडली बहना योजना का लाभ पाने के लिए महिला और उनके परिजन बैंक, नगरपालिका, आंगनवाड़ी के चक्कर लगा रहे हैं। फॉर्म भरने के दौरान कई बार आंगनवाड़ी पहुंचने और बिना फॉर्म भरे वापस लौटना पड़ा, बमुश्किल फॉर्म भर गया, जिसके बाद जून माह के शुरू होते ही महिला के खाते में 1 रुपए की राशि नहीं आने से वह बैंक, नगरपालिका और आंगनवाड़ी के चक्कर लगाते रहे। इसके बाद स्वीकृति पत्र मिला और 10 जून को महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए की राशि डाली गई, लेकिन इस दौरान कई महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची, जिसके बाद महिलाओं ने CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। जो शिकायतें नगरपालिका के पास पहुंच रही हैं, जिन्हें शिकायत शाखा द्वारा निराकरण किए बिना ही बंद की जा रही हैं। शिकायतकर्ता आशाबाई, क्षमाबाई और शांतिबाई ने बताया कि उन्हें इस योजना का स्वीकृति पत्र मिला और इसके बाद राशि उनके खाते में नहीं आई है। शिकायत के बाद नगरपालिका की ओर से महिला बाल विकास कार्यालय में संपर्क करने के लिए कहा गया, ऐसे में शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस तरह की कई शिकायतें हैं। 25 जून तक मिलने की उम्मीद, 10 जून को जिन महिलाओं के खाते में योजना के तहत राशि नहीं पहुंची है, उनको आंगनबाड़ी सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा 25 जून तक राशि आने की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर मात्र मौखिक आश्वासन ही मिल रहा है। योजना के तहत महिलाओं के आधार बैंक से लिंक होना और समग्र ID व DBT जरूरी है। इसके बाद कई महिलाओं के बैंक खाते में राशि नहीं आई है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।